गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिलेटिव पार्ट और एब्सोल्यूट पार्ट के बारे में डिस्कस किया था कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट पार्ट एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। अब हम उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे, राइट। तो हेडिंग डालिएगा एब्सोल्यूट पार्ट। पार्ट का मतलब होता था, अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो आप प्रीवियस क्लास की वीडियो देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। पार्ट का मतलब अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में समझ रहे हैं तो पार्ट मीन्स अ यूनिक लोकेशन। दैट मीन्स अगर किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर की आप लोकेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो लोकेशन जो डिफाइन हम करते हैं दैट इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर फाइल और पर्टिकुलर फोल्डर एनीथिंग। ओके ओके, देन हम लिखते हैं पार्ट क्या है। एन एब्सोल्यूट पार्ट इज डिफाइंड एज द स्पेसिफाइंग लोकेशन ऑफ फाइल और फोल्डर। आप फाइल की भी बात कर सकते हैं, आप फोल्डर की भी बात कर सकते हैं। फ्रॉम द रूट, राइट, हम लाइनिक्स की बात कर रहे हैं और लाइनिक्स में मैंने आपको बताया था कि जो मेन होता है डायरेक्टरी होती है या जो मेन आपका स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, रूट डायरेक्टरी। एंड रूट डायरेक्टरी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई द फॉरवर्ड स्लैश। तो जब भी हमें एब्सोल्यूट पार्ट लिखना होगा तो एब्सोल्यूट पार्ट हमेशा जब भी आप लिखते हो तो वो एब्सोल्यूट पार्ट आपका कहाँ से होता है, वो एब्सोल्यूट पार्ट हमेशा आप रूट डायरेक्टरी से स्पेसिफाई करते हो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें एब्सोल्यूट पार्ट लिखना है तो क्या करना होगा, अगर हमें एब्सोल्यूट पार्ट लिखना है तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद द रूट डायरेक्टरी, राइट। टू राइट डाउन, टू राइट एब्सोल्यूट पार्ट we start with root. root is a directory, right? हम show भी करेंगे कि ये root होता क्या है, exactly कैसे ये denote होता है वो हम पढ़ेंगे, right? and then write all the directories name by using forward slash between them. forward slash का मैं निशान बना रही हूँ, by using forward slash between them. यहाँ पे लिख भी लीजिएगा, forward slash is used to separate the file. That means दो files को अगर मुझे separate करना है यहाँ पे उनके नाम को, तो हम उसके लिए क्या use करते हैं, हम यहाँ पे forward slash। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको लिख के दिखाऊं तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, वी ऑलवेज स्टार्ट विद द रूट डायरेक्टरी एंड रूट डायरेक्टरी मींस फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश के अंदर मान लीजिए मेरा कोई फोल्डर है यूजर नाम का, तो मैंने इसके बाद लिखा यूजर, देन अगेन मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया। इसके अंदर मान लीजिए मेरा कोई फोल्डर आईएसएस नाम का है तो मैंने आईएसएस लिखा। अब मुझे जिस भी फाइल को लेना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे abc.jpg को लेना था तो abc.jpg। That means it is the absolute location या फिर absolute path of the any file which names is the abc.jpg. अगर मुझे abc.jpg तक पहुंचना है in linux, then we use this type of syntax. Okay? And the second one is the relative path. And what is the relative path? अगर हम relative path की बात कर रहे हैं तो relative path जो है जहां आपको current में चाहिए आपको वहीं से जाना होगा। That means ऐसा जरूरी नहीं है कि आप root से start करें। तो अगर हम यहाँ पे relative path की बात करेंगे तो relative path is defined as the path related to the present working directory. And what is the present working directory? इसको short form में बोलते हैं PWD. तो कभी कभी पूछा भी जाता है what is the full form of PWD? तो PWD का full form क्या होता है? The full form of PWD is the present working directory. Right? और अगर आपको relative path start करना है तो one condition है, it never start with the forward slash. That means ये root से start नहीं होगा, ये हमेशा आपकी करंट डायरेक्टरी से स्टार्ट होगा। इट नेवर स्टार्ट विथ रूट डायरेक्टरी।
एंड मैं अगेन बता रही हूँ रो डायरेक्टली मीन्स द फॉरवर्ड स्लैश. तो अगर मुझे यहाँ पे भी एग्जांपल लिखना है, मुझे सेम फाइल को एक्सेस करना, तो कौन सी जो मैंने यहाँ पे ऊपर किया है, दैट इज abc.jpg. तो मैं रूट से स्टार्ट नहीं करूंगी. फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, आई स्टार्ट विद द IACs. मैं IACs फोल्डर पे गई, मुझे यूजर में भी शायद जाना ना पड़े, जा भी सकते हो. एंड देन मैंने फॉरवर्ड स्लैश यूज किया एंड देन abc.jpg. दिस इज अ रिलेटिव पाथ ऑफ द फाइल abc.jpg. आई होप यहाँ पे आपको पाथ क्लियर हो गया होगा. अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. राइट, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं. अब हमें जो भी आपको पता होना चाहिए, दो तरह से काम होता है. राइट, अगर आप सिस्टम में कोई काम कर रहे हो, मैं आपसे कहूँ कि मुझे कोई फाइल बनानी है या मुझे कोई फोल्डर बनाना है, तो आप फोल्डर बनाने के लिए मुझे क्या कहोगे? फोल्डर बनाने के लिए हम सिस्टम में राइट क्लिक करते हैं, तब ने बनाया होगा फोल्डर. राइट क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन मिलता है न्यू, हम वहां पे क्लिक करते हैं और हम अपने फोल्डर का नाम दे देते हैं जिस भी फोल्डर को हम बनाना चाहते हैं. राइट, यही तरीका होता है फोल्डर बनाने का. ये सारी चीजें मुझे व्यू हो रही हैं. राइट, तो इट इज कॉल्ड द GUI मोड. दैट मीन्स ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होगा आपको हर चीज दिखेगी. आपको सारे आइकन दिख रहे हैं कि आइकन माय कंप्यूटर का है, आपको आइकन दिखेगा कि आइकन आपका माय डॉक्यूमेंट्स का है, डाउनलोड का है. तो यहाँ पे आप ग्राफिक्स के फॉर्म में सारे काम कर रहे हैं. आपको सब कुछ दिख रहा था कि आप न्यू पे जाओगे, वहां पे फोल्डर लिखा हुआ है, आप फोल्डर पे क्लिक करोगे और आपका फोल्डर बन के आ जाएगा. बट अगर मुझे फोल्डर बनाना है, तो फोल्डर बनाने के लिए मैं बिना ये सब क्लिक किए भी बना सकती हूँ. और जो मैं बट उसके लिए मुझे कुछ चीजें याद करनी होगी, दैट इज कॉल्ड द कमांड. हम उसी को क्या कहते हैं, उसी का नाम होता है कमांड. कमांड का मतलब क्या होता है, आप सिर्फ लिखो कि आपको क्या करना है. ऑब्वियसली अभी हम बहुत ज्यादा मॉडर्न नहीं हुए हैं कि हम बोल के सिस्टम पे काम करा रहे हैं. होता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी होता है. बट अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें अपना काम लिखना होगा और अपना काम लिख के हम करा सकते हैं. तो हमने क्या किया, अगर मुझे कोई फाइल बनानी थी, यहाँ पे भी मैंने फोल्डर बनाया, जस्ट लाइक मैंने फोल्डर बनाया IACs नाम का. और मुझे अगर कमांड के थ्रू IACs को बनाना है, तो मुझे सिर्फ लिखना होगा क्या, मैंने लिख दिया MD IACs. अगर आप सिर्फ इतना लिखोगे तो भी आपका फोल्डर बन के आ जाएगा. अब आपके दिमाग में आएगा व्हाट इज MD, MD तो कभी नहीं पढ़ा, और ये हम कहाँ जाके लिखेंगे, क्या करेंगे, तो वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी. आपको सिर्फ इतना तक कैन समझना है कि हम अपना काम कमांड के थ्रू भी कर सकते. कमांड मीन्स जस्ट इंस्ट्रक्शन. अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे लिए प्लीज मुझे मार्कर ला के दे दो, मैं क्लास में पहुंची हूँ, मैंने कहा प्लीज मुझे मार्कर ला के दे दो, तो मैंने आपसे कमांड दिया आपको, मैंने आपसे कहा कि प्लीज मेरा ये काम कर दो आप, तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप नीचे लाइब्रेरी में जाओगे तो आप मेरे लिए मार्कर ला सकते. राइट, तो दिस इज कॉल्ड द कमांड. कमांड इज जस्ट अ मीनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन. अगर आप किसी को भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, किस लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आपका काम करने के लिए. ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे फोल्डर बना रहे हो, तो फोल्डर आपका एक टास्क है जिसको कंप्लीट करने के लिए आप सिस्टम को क्या दे रहे हो, आप सिस्टम को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो. दैट इज कॉल्ड CUI मोड. मतलब यहाँ पे मुझे सब कुछ व्यू हो रहा था और मैं अपना काम कर रही थी, दैट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. यहाँ पे मैं अपना काम कर तो रही हूँ, बट मैं अपना काम किसके थ्रू कर रही हूँ, कमांड के थ्रू कर रही हूँ. दैट इज कॉल्ड द CUI मोड. आपका सिस्टम कमांड पे भी काम करता है और GUI मोड पे भी काम करता है. ये आप करते हो, ये आप डेली लाइफ में यूज करते हो, तो ये आपको अच्छे से पता है. मुझे आपको क्या पढ़ाना है, CUI. दैट मीन्स हमें कुछ बेसिक कमांड्स पढ़ने होंगे जिसके थ्रू हम अपना बेसिक सा काम कर सकते. तो देखते हैं व्हाट इज द कमांड. देन द नेक्स्ट हेडिंग इज द कमांड. राइट, कमांड का मतलब क्या है, अ कमांड इज एन इंस्ट्रक्शन. कमांड का सीधा सीधा मतलब है, उसका नाम ही उसका काम बता रहा है. कमांड क्या है, कमांड इज एन इंस्ट्रक्शन. गिवन टू द आवर कंप्यूटर, गिवन टू आवर कंप्यूटर to perform some specific task. Right. आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, given to our computer by us. हम देते हैं कमांड.
किसको देते हैं, अपने सिस्टम को, ताकि वो हमारा काम कर सके, राइट। अब कमांड को लिखने के लिए हमें कोई ना कोई विंडो चाहिए, जस्ट लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको HTML का प्रोग्राम करना है, तो HTML के प्रोग्राम को करने के लिए आप नोटपैड खोलते हो, राइट। अगर मैं आपसे कहूँ आपको MS Office का काम करना है, तो MS Office का काम करने के लिए आप नोटपैड पे तो नहीं करते होगे, आप क्या करते होगे, MS Office का काम करने के लिए या तो आप विंडोज में MS Office खोलते हो या तो आप लिब्रा ऑफिस में काम करते हो, राइट। आप यही करते हो। वैसे ही अगर मुझे कमांड लिखना है तो उसके लिए कोई ना कोई एडिटर चाहिए, मैं कहाँ जाके कमांड को लिखूंगी, तो दैट इज अ एडिटर, उसी को हम क्या कहते हैं, एडिटर। अगर आप नोटपैड पे जाके काम करते हो तो दैट इज अ एडिटर ऑफ योर HTML प्रोग्राम, क्लियर, वो आपके HTML प्रोग्राम का एडिटर है। वैसे ही कमांड के लिए भी एडिटर यूज किया जाता है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग एडिटर यूज करते हैं। अगर मैं विंडोज की बात करूंगी तो विंडोज में जो हम एडिटर यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड अ कमांड प्रॉम्प्ट, दैट मींस कमांड प्रॉम्प्ट नाम का एक एडिटर होता है जहां पे जाके हम अपने कमांड्स को लिखते हैं, तभी हमारा कमांड एग्जीक्यूट हो। अगर मैं लिनक्स की बात करूंगी तो लिनक्स में यही काम हम कहां जाके करते हैं, टर्मिनल में करते हैं, लिनक्स इज अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड अदर यही चीज मैं मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात करूंगी तो वहां पे भी क्या होता है, कमांड को लिखने के लिए टर्मिनल में, that is called the editor, where editor का मतलब क्या है, where we write the command, where we write command to perform our work। ऐसा तो नहीं है कि मैं MS Office में जाके command लिख दूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ कमांड लिख रहे हो, कहाँ से वो उसको कमांड को लेना है और कहाँ से उसको एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो ये हमारे एडिटर थे। कमांड हमें जो पढ़ना है वो हमें विंडोज और लिनक्स दोनों के लिए पढ़ना है। तो यहाँ पे वन मोर पॉइंट, कमांड्स आर केस सेंसिटिव, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव मैं अभी बताती हूँ। कमांड्स आर केस सेंसिटिव इन लिनक्स, बट इट इज केस इनसेंसिटिव, लोगों को पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिटिव एंड इनसेंसिटिव इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मुझे कमांड को रन कराना है, जैसे आप अगर आपको नोट आपको HTML का प्रोग्राम रन कराना होता है तो आप क्या करते हो, उसकी फाइल को सेव करके डबल क्लिक करते हो, राइट। वैसे ही अगर आपको कमांड को रन कराना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, प्रेस करना होता है एंटर, राइट। तो कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड बाय टाइपिंग इन कमांड प्रॉम्प्ट, आप कमांड प्रॉम्प्ट में उसको टाइप करो, मतलब जहां पे भी आपका कमांड का एडिटर है आप जाके वहां पे टाइप करो, एंड देन प्रेस इंटर। आप इंटर की को प्रेस करोगे तो आपका जो भी कमांड होगा वो क्या हो जाएगा, वो रन हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ वहां जाके क्या प्रेस करना होगा, आपको इंटर की प्रेस करना होगा, राइट। तो दिस इज अ स्मॉल नोट ऑफ द कमांड, कमांड्स क्या होते हैं, इसको रन कैसे कराते हैं, कहाँ जाके लिखते हैं, हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। सो जो अब हम नेक्स्ट कमांड पढ़ने जा रहे हैं, वो नेक्स्ट कमांड हम किसमें पढ़ने जा रहे हैं, कमांड्स इन विंडोज। पहले हम विंडोज के कमांड्स को पढ़ेंगे, कमांड्स लगभग सेम है बट पहले हम विंडोज को कवर अप करेंगे, देन फिर हम अपना लिनक्स कवर अप करेंगे, राइट। मैं यहाँ पे एक बात बताना मैं भूल गई, दैट इज अ केस सेंसिटिव एंड केस इनसेंसिटिव। देखिए आप HTML का प्रोग्राम करते हैं, राइट। HTML का प्रोग्राम करने के लिए अगर मैं स्मॉल लेटर में HTML लिखूं, टैग जो होता है, या फिर मैं इसको कैपिटल लेटर में लिखूं, या फिर मैं इसको एक स्मॉल एक कैपिटल एक स्मॉल एक कैपिटल कुछ भी लिखूं, मैं तीनों में से कोई भी लिखूंगी, हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आएगा, ये रन करेगी, राइट। आपने पढ़ा होगा कि जो भी आप HTML लैंग्वेज पढ़ रहे हो दैट इज द केस इनसेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव का मतलब है कि आप लोअर लेटर यूज करो या आप अपर लेटर यूज करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जो भी कमांड लिखते हैं वो आप अपर केस लोअर केस कुछ भी यूज करोगे, नहीं फर्क पड़ेगा। बट अगर आप यही सेम चीज लिनक्स में यूज कर रहे हो, तो लिनक्स में अगर आपको कमांड स्मॉल लेटर में दिया गया है,
आपसे कहा गया है कि कमांड है स्मॉल एम स्मॉल डी, तो आपको वहां पे स्मॉल एम स्मॉल डी ही यूज करना होगा, आप कैपिटल लेटर में यूज नहीं कर सकते। अगर आप वहां पे कैपिटल लेटर में यूज करोगे तो आपका कमांड रन नहीं करेगा, आपको एरर शो हो जाएगी, कहा जाएगा अगर मान लीजिए मुझे स्मॉल एम डी दिया है और अगर मैंने कैपिटल एम डी यूज कर लिया तो वहां पे काम नहीं है, राइट। ओके, देन इस क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन। Yeah, I think one time more.